हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं महाभारत का एपिसोड नंबर 9 का वीडियो लेकर। तो इसका रिएक्शन वीडियो देखिए और आगे का एपिसोड का मजा लीजिए। हाथी का युद्ध चल रहा है। गुजरात का बाहुबल बहुत ही ज्यादा है और भारतीयों के साथ भी युद्ध करता है। आंखों से नहीं देख पाता था पर इसका बाहुबल बहुत ही ज्यादा था और सुनने की शक्ति बहुत प्रबल थी। सहायता की जरूरत है उसको। हथियार को बेरियो से मार दिया। अच्छे से आ रहा है। दिशा बदल दिया किस बात करते थे के ऊपर। पानी इसका छोटा हुआ पानी सहायता की आवश्यकता नहीं है मुझे, मुझे किसी से भय नहीं। बार बार मत स्मरण दिलाओ मुझे कि मैं अंधा हूं। ताकि कोई एक क्षण के लिए भी मेरे अंधत्व को भुला ना सके। क्यों दादा की सेवा की जाती है? सहायता नहीं, किंतु अभी मैं राजा नहीं बना। परंतु हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो आप ही का अधिकार है ना ज्येष्ठ? आप ही के लिए ये सिंहासन वर्षों से रिक्त पड़ा है। सिंहासन प्रणिपात ज्येष्ठ भ्राता, प्रणिपात। और कौन सिंहासन पर बैठेगा इसका निर्णय व्यक्ति की योग्यता कर। विदु दोनों का छोटा भाई और एक दासी का पुत्र है।
कुल का सबसे ज्येष्ठ हो वो मैं अतुल बाहुबल है। शब्द भेदी बाण चला सकता हूं। शस्त्र मेरे पुढ़ हो, शस्त्र सारे कंधस्त है। इस पर भी मेरी योग्यता का आकलन करोगे तुम? मैं नहीं ज्येष्ठ भ्राता, वो अधिकार तो महामंत्री का होता है। समय आने पर महामंत्री ही विचार करेंगे। मैं तो केवल भ्राता पांडु से इतना कह रहा था कि समय से पूर्व बोले गए शब्द ऋतु से पूर्व तोड़े गए फलों की भांति व्यर्थ होते हैं। आज्ञा दीजिए जी प्रणिपात। प्रणिपात जी भ्राता पांडु। महाराज, निर्णय करने के बाद हृदय को दुर्बल करना व्यर्थ होता है। चिंता या दुख नहीं इस पर, अपराध की भावना से घिरा हुआ है हृदय, जैसे एक पहाड़ पड़ा है छाती। महाराज, आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया तो मुझे बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य। भीष्म और हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध हमारी प्रजा के लिए विनाश होगा। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी मान्य कर दिया, पर एक पिता अपने इस निर्णय को अन्याय मानता है। पर ये बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में दुख स्वप्न कह रहे हैं, और मैं उन स्वप्नों को अश्रु में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। जब शकुनी मिल गया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? वो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है, वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का विवाह एक मित्रहीन व्यक्ति के साथ। चिंता है शकुनी को लेकर। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा, दो व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता। नहीं युवराज नहीं, आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्य। सैनिक को लात मार के फेंक दिया गया, सैनिक को लात मार के फेंक दिया गया। तो यही तक था आज का ये वीडियो दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा थे गांधारी के माता जी और पिताजी वो बातचीत कर रहे हैं और दुखी है क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ उनकी पुत्री का शादी देना पड़ रहा है, भीष्म के डर से वो ऐसा कर रहे हैं। और वहाँ पर शकुनी, उसको जब मालूम होगा कि उसका बहन की शादी एक अंधे आदमी से हो रहा है तो बहुत गुस्सा करेगा। और यही था आज का, देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है, शकुनी क्या प्रपंच करता है या फिर क्या करता है। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो अपनी बहन के लिए वो क्या करता है देखते हैं। तो तब तक के लिए नमस्ते।